ये जो इब्राहिम है, इब्राहिम धर्म पिता, उसकी हिस्ट्री देखते हैं देन इब्राहिम 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 की जो हिस्ट्री है वो इतनी मिलती नहीं है जितनी क्राइस्ट की मिलती है, बुद्ध की मिलती है। तो फिर ये जो ईरान में अशोक झटपुस का जो हुआ पारसी धर्म अशोक, तो ये दोनों कनेक्टेड है इब्राहिम। तो सब कोई जानते हैं हिस्ट्री, जब दुख पड़ता है तब हिस्ट्री बनती है, या जब सुख होता है स्वर्ग होता है तब हिस्ट्री बनती है। जब आदमी के ऊपर दुख पड़ता है तो एक एक दिन गिनता है, गिनता है ना, तो वो एक एक दिन की हिस्ट्री बनती जाती है। और द्वापर के आदि में आयु की चार अवस्थाएं होती है ना, तो द्वापर के आदि में कौन सी अवस्था थी द्वापर की? सतोप्रधान स्टेज थी। दुख तो जैसे कि था ही नहीं, एकदम शुरुआत थी, तो वहां स्त्री कहां से बन जाएगी? जितने भी संबत हैं, कोई भी धर्म वाले हो, शक संबत है, हूण संबत है, हिजरी संबत है, विक्रमादित्य संबत है, ईसवी संबत है, कोई भी संबत 2000 वर्ष पुराना है। क्यों? क्योंकि उस समय इतना दुख आई नहीं, नाम मात्र दुख शुरू हुआ। तो इब्राहिम की हिस्ट्री कहां से आ जाएगी? वो तो पहला धर्म पिता है दुख की दुनिया का। तो जब सतो प्रधान स्टेज है तो उसकी हिस्ट्री होने का सवाल ही नहीं। जब इब्राहिम था तो उस समय भी सुख की अवस्था थी, कहें कि अति हो चुकी थी सतयुग के आदि में सुख की, और द्वापर के आदि में सुख का जो नाम निशान था वो खत्म नहीं हुआ, बहुत कुछ सुख था। बाकी लड़ाई झगड़ा मारा मारी जैसी कोई बात नहीं, उस समय नहीं थी, खून खराब होने वाली बात तो थी नहीं, वही जब इस्लाम धर्म राजसी अवस्था के अंत में आया, मोहम्मद निकले, तो कितना मार काट हुआ। मुस्लिम धर्म जब से बना तो वो सारी हिस्ट्री, उनका धर्म ग्रंथ ही 1400 साल पुराना है, जबकि मोहम्मद आए। तो ये अशोक झटपुस्त और ये इब्राहिम दोनों एक ही पर्सनालिटी है या अलग अलग है? अशोक जो है वो पुराना नहीं है, अशोक तो बहुत बाद में आया है, अशोक के टाइम पर तो बौद्ध धर्म की बात हो गई। अशोक ने अशोक झटपुस्त जो पारसी धर्म का स्थापक है, ईरानी पारसी धर्म, वो सिर्फ हिस्ट्री लिखी हुई मिली है मनुष्यों के द्वारा, असलियत कुछ भी नहीं है। तो मैं वही पारसियों की हिस्ट्री जो मिल रही है वो एक प्रकार की कल्पना भी हो सकती है। जैसे यहूदी पारसी और यहूदी तो बहुत पुराने हैं, लेकिन इस्लामियों से ज्यादा पुराने नहीं है, क्रिश्चियन से ज्यादा पुराने कहेंगे, बौद्धियों से भी ज्यादा पुराने कहेंगे। और खुदा का वाद जो है, खुदा नाम का शब्द, वो तो मोहम्मद आए उससे पहले भी था खुदा नाम का शब्द, तो जो खुद आता है उसी का नाम खुदा पड़ा है। और जब खुदा नाम डाला गया उस समय वो जानते भी थे कि वो बुलाने से नहीं आता है, इसलिए उसका नाम खुदा डाला था। बाद में जब तौ पठान बने तो मस्जिदों में चिल्लाने लगे। तो एक ही सवाल है बाबा, कि जो बुद्धि का अगर हमें परिचय देंगे, बुद्ध का
ये क्रिश्चियन का, तो लोगों को समझ में आएगा कि इसका प्रूफ है जैसे यीशु हुए। लेकिन इब्राहिम का अगर परिचय देंगे कि उसके द्वारा इस्लाम धर्म, इब्राहिम का यही परिचय है, तो उसका प्रूफ, इब्राहिम का यही परिचय है कि वो सबसे जास्ती पुराना धर्म पिता है विधर्मियों के बीच में, और सबसे पावरफुल धर्म पिता है विधर्मियों के बीच में। और धर्म पिताओं में उतनी शक्ति नहीं है, उतना विस्तार नहीं है, उनके राज्य का भी इतना विस्तार नहीं है जितना दुनिया में इस्लाम धर्म का विस्तार हुआ। किसी अंश तो अभी 200 वर्ष के अंदर संसार में इतना विस्तार हुआ है, इस्लामियों के मुकाबले तो किसी अंश कुछ भी नहीं है। और बहुत लोग अगर यीशु और उसका परिचय देंगे तो मान लेंगे, लेकिन इब्राहिम का नाम लेंगे तो वो बोलेंगे वो कौन थे, ऐसे बोलते हैं। भगवान को तुम्हारे साथ किया वो तो मानेंगे, भगवान तो उनसे भी ज्यादा पुराना है। तुम भगवान के बारे में असलियत बताते तो मानते हैं, नहीं मानते वो कौन? तो वो तो विधर्मियों में सबसे जास्ती पुराना धर्म पिता है। तो ये जो जम्मू द्वीप है, जम्मू द्वीप कौन सा एरिया कहलाता है? जम्मू कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर का, भारत का उत्तरी भाग, तो वही एरिया है, उसी के आसपास का सारा एरिया जम्मू द्वीप हो गया उत्तर भाग। तो ये जो भारत इंडिया, भारत की जो प्लेट है, धरती की प्लेट जो पानी के ऊपर चलती है, वो बाकी एशिया के द्वीपों से अलग है, एशिया महाद्वीप से? पृथ्वी का अंदरूनी भाग जो है वो आग का जलता हुआ लावा जैसा है, वो कभी पता नहीं लगेगा कि कौन सा तत्व तो कहाँ जाकर के चला गया, कौन सा कण कहाँ चला गया। पृथ्वी जब घूमती है तो अंदर का लावा कैसे होता होगा? ये सब बातें नहीं उठाई जा सकती। और जब बाबा भारत में जब स्वर्ग था, जिसको हम स्वर्ग मानते हैं, सचिव कहता का जो पीरियड, उस समय भारत के समकालीन ये मिस्र, बेबीलोन, ये सब सभ्यताएं जो थी, चीन की सभ्यता, क्या वो उस समय भी अस्तित्व में थी? समुद्र की गर्त में थी सब, समंदर में समाये हुए थे सब देश। जैसे समुद्र खाली हुआ ऐसे वो देश बसते नहीं, नहीं, जैसे जैसे धर्म पिताए आने को हुए वो धर्मखंड भी सागर से ऊपर आते थे, ताकि उनके रहने के लिए स्थान बन जाए, बंदोबस्त हो जाए। भारत का पुराना जो व्यापार है वो तो मिस्र और फारस तक फैला हुआ है, जो 2500 वर्ष तक का ही। मिस्र जो देश है वो इस्लामी देश है या बौद्ध और क्रिश्चियन खंड है? इस्लामी देश, वहीं से व्यापार शुरू होगा। इस्लामी पहले आए हैं तो इस्लामियों से ही व्यापार शुरू हुआ है। और तो उनका जो धर्म पिता जो सबसे पहला विधर्मी है इब्राहिम, क्या उसकी जन्म स्थान ये इंडिया से ही होता है, भारत से ही होता है? सभी धर्म पिताएं जो हैं उनका कनेक्शन कहाँ से है? सभी धर्म पिताओं का उद्धार कहाँ से होता है? भारत से ही उद्धार होता है। यानी सृष्टि का जब अंत आएगा, जब अंत मते सो गते होगी, जिसके लिए अपने भारत में गायन है, अंत समय में कहेंगे राम नाम सत्य है, तो सबके अंदर ये फाउंडेशन पड़ा हुआ है आत्मा का कि भारत क्या चीज है। बाहर से अपने देहवान में आकर के कुछ भी बोलते रहे, लेकिन अंदर से समझते हैं कि हाँ भारत देश भी कोई चीज है। और सोने की चिड़िया तो प्रसिद्ध है, बापों का बाप है, तो वो हर धर्म में कनेक्टेड होता जाता है। जैसे कि कोई राजा के अकबर का कोरोन है उसका, या कोई
प्रजापिता माने क्या? सारी प्रजा का पिता, जो भी प्रजा मात्र है 500-700 करोड़, उसमें जो भी खून फैला हुआ है उसका ओरिजिन कहाँ से है? उसके लिए कोई पराया नहीं है। जैसे ग्रैंड फादर के बच्चे होते हैं, दादे परदादे होते हैं, पहले तो दादे परदादे जिंदा रहते थे, तो उनके जो छोटे छोटे बच्चे पैदा होते थे बाद में, तो उनके प्रति अपनत तो रहता है कि नहीं? ऐसे ही प्रजा पिता, मतलब हर रिलीजन से उसका कनेक्शन है, क्यों नहीं है ना? मतलब कोशिश बच्चे कन्वर्ट होते हैं और धर्म में कन्वर्ट होते हैं, इसे प्रजापिता की छोड़ भी कन्वर्ट नहीं, कन्वर्ट उसे कहा जाता है जो जहाँ जिस परिवार में जन्म ले और उस परिवार को धोखा दे करके दूसरे परिवार में चला जाए, जीते जी दूसरे धर्म में जीते जी चला जाए, उसे कहते हैं धोखा देना, धोखेबाज, दगाबाज। प्रजापिता के ऐसे संस्कार होंगे क्या? प्रजापिता के तो छोड़ो, प्रजापिता के जो फॉलोअर्स हैं असली, जो जन्म जन्मांतर साथ रह करके पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनके भी ऐसे संस्कार नहीं हो सकते। बाबा ये जो 12-12 का ग्रुप है, जैसे 9 जन्मों को गिनती किया है लास्ट पे नास्तिक को छोड़ के 12-12 का ग्रुप, तो 12, 9, 108, तो 9 जन्म है, तो 12 के 12 ग्रुप एक साथ होते हैं या 12 के 12 9 ग्रुप में डिवाइड होता है? यानी कि जो 12 के 12 सूर्यवंशी है सब एक ही जगह होते हैं? ये क्या बात है? यानी 12 का 9 ग्रुप है या 9-9 के 12 ग्रुप है? धर्म कितने हैं? धर्म 9 है। तो जो जो धर्म है धारणा करने वाले वो सिर्फ 9 है, तो 9 में डिवाइड हुए ना, जरूर 12-12 के ग्रुप है। जो 12-12 के 9 ग्रुप हैं, 9 धर्मों में श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं, उनकी ढेरियां तैयार की जाती है। कुछ ढेरियां दाई ओर रखी गई, कुछ ढेरियां बाई ओर रखी गई, फिर उसमें नंबरवार फिर होना शुरू होता है। इधर से पिरोया, उधर से पुराया, तो नंबरवार ही होंगे ना। तो जो नंबरवार हैं उनको पिरोया जाता है, तो एक साथ होंगे या नंबरवार होंगे? नंबरवार ही होंगे। उनके स्थान भी अलग अलग होंगे, ढेरी होंगे, ये ढेरी इधर रखी जाएगी, तो ये ढेरी इधर रखी जाएगी, वो ढेरी सब ले लास्ट में नीचे की तरफ रखी जाएगी। माला बनाते हैं तो ऐसे ही तो माला बनाते हैं, लेकिन सारा ढेर इकट्ठा करके माला बना देंगे? बनेगी नहीं, एक जैसे ग्रुप निकालना है। और बाबा हनुमान जी राम ने एक मिनट के हम सही होगा हनुमान जी के हनुमान जी ने राम को क्यों सहयोग दिया? क्योंकि राम ने हनुमान जी को सबसे ज्यादा सहयोग दिया, तो हनुमान ने राम को सहयोग दिया। जैसे शिव बाबा कहते हैं तुम बच्चे मेरे को सरेंडर होते हो तो मैं तुमको सरेंडर हो जाता हूँ, कहता हूँ बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, तुम संकल्प करो और मैं काम करवा दूंगा। सच्चे दिल पर साहब राजी हो। इस्लामी जो है वो बाम मार्गी है या दाई ओर के हैं? बाम मार्गी है। बाम मार्गी है तो बाई ओर, उनका उनका तो ग्रुप ही बाई ओर होगा। जो दाएं हाथ के हैं उनका ग्रुप दाई ओर होगा। वो भारतवासी हैं
और कोई कोई विदेशी है। बाबा जगदम्बा ने आठ बूंदा बतावे तो ये मतलब जगदम्बा ने आठ बूंदा बतावे तो बूंदा मतलब कहते ना मेरे भाई ने शरीर छोड़ दिया, हाय मेरी दाहिनी भुजा कट गई। तो भुजा कट गई क्या? भुजा कट गई या सहयोगी कट गया, खत्म हो गया? सहयोगी चला गया। तो भुजा माने सहयोगी। जगदम्बा ने जो कार्य किया है उस जगदम्बा के कार्य में सतो प्रधानता के कार्य में भी सहयोगी और तमो प्रधानता के कार्य में भी सहयोगी। तो जो सहयोगी बनते हैं उनको भुजा कहा जाता है। कोई दाई ओर की भुजाएं हैं, कोई बाई ओर की भुजाएं। बोले जा, देर हो जाएगी, बहुत लोगों को वापस जाना। बाबा अगर सब धर्मों को छोड़ दे और सिर्फ नौ धर्मों के एक एक आत्मा को ही पकड़े, सभी धर्मों से एक एक आत्मा को निकाले, जैसे इस्लामी से एक, सूर्यवंशी से एक, चंद्रवंशी से एक एक निकाले, बारह बारह ग्रुप को भी भूल जाते हैं, तो ये जो कंपनी बनती है नौ की, नौ की कंपनी का लीडर तो हमेशा सूर्यवंशी ही होगा? नहीं, जो लीड करने वाला है, मान लो ये आतंकवादी है, इनको लीड करने वाला जो होगा सबसे जास्ती खौफनाक खतरनाक होगा या कम खतरनाक होगा? अब चुनोगे कैसे? तुम्हें पता है कि पहला नंबर कौन है? पता है? ऐसे गप्प क्यों मारते? जैसे तो मैं ऐसे पूछता हूँ कि जैसे सब धर्मों का लीडर तो हमेशा क्योंकि सूर्यवंशी सबसे हर राम पाठ बजाता है तो उसको ही सबसे ज्यादा अनुभव होगा, खौफनाक का भी और अच्छेपन का भी और बुरेपन का भी। तो वही लीडर हो सकता जो सबसे ज्यादा अनुभवी होगा, वही सबका कंपनी का लीडर हो सकता है? नहीं, वो लीडर नहीं होगा। हाँ, पूर्वज कहा जा सकता है। जो पूर्वज माने पूर्व में पैदा हो, पहले पैदा हुए हो, जो लोग पहले पैदा होते हैं और जो लोग बाद में पैदा होते हैं, अच्छाई ज्यादा किन में होती है? पहले वालों में ज्यादा अच्छाई होती है, तो वो तो पूर्वज है। मुखिया बनने की तो उनमें भावना भी नहीं है कि हम मुखिया बनकर के रहे, नेता बनकर के रहे। और बाबा लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी कब से शुरू होने वाली? आप मुर्गी रो नहीं सुन रहे क्या? रो सुनते तो बताया नहीं गया कि ब्रह्मा बाबा की 50 वर्ष कम है 5000 वर्ष में, माना वो 50 वर्ष अपने शरीर से कार्य नहीं करते। वो 50 वर्ष कब पूरे होते हैं? 2018 में 17 में पूरे होते हैं। तो जब उनका टाइम पूरा होगा तो वो आत्मा संपन्न बनेगी या नहीं बनेगी? संपन्न बनेगी। और बाबा का सबसे प्यारा बच्चा कौन है? जो ज्यादा प्यारा बच्चा होता है बाप उसको सर के ऊपर चढ़ा लेते हैं। बताओ भक्ति मार्ग में कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको सर के ऊपर चढ़ा लिया? हर हर महावे को कहीं तुमने सर पे चढ़ा हुआ देखा? नहीं, नहीं। बताओ भक्ति मार्ग में यादगार है कि बाप ने उस बच्चे को अपने सर पे चढ़ाया हुआ? गंगा हो सकता है? कौन? गंगा? 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 नहीं, बच्चा नहीं है वो, बच्चा कहाँ है?
वो तो बच्ची है, वसुदेव ने है, वसुदेव ने चंद्रमा हुआ ना, तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा है ना। तो बच्चा जिसके ऊपर बाप को बहुत नाज है लेकिन बेचारा भोला भाला है, क्या बच्चा बुद्धि है, इतना बच्चा बुद्धि है कि ज्ञान की बातों को गहराई तक पकड़ नहीं सकता, उसको ज्ञान की बातें पकड़ने में बहुत लंबा टाइम लगता है। वो बच्चा अगर सुधर गया तो सांप सुधर जाएगा, एक के पतित होने से सांप पतित और एक के पावन होने से सब पावन हो जाएगा। उस एक के ऊपर सारा मदार है, तो बताओ लक्ष्मी नारायण कब से शुरुआत होगी, बताओ। अभी बच्चा बुद्धि है, सीता से जब ब्रह्मा जी वो 50 वर्ष पूरे हो, और भक्ति मार्ग में जो दिखाते हैं वो पार्वती ने महल का गणपति बनाया द्वार में रखा, और उन्होंने तो सब ब्रह्मा के साथ और राक्षसगण नंदीगण के साथ युद्ध किया, बाद में शंकर जी के साथ किया, और शंकर जी ने उसका सिर काट के उसका हत्ती का लगाया, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यही है कि शिव आकर के जो रचना रचते हैं वो दुनिया का बड़े से बड़ा देवता बनता है। शिव जो रचना रचेंगे तो पहली कोई तो रचना रचेंगे, कोई बाप है बच्चे पैदा करता है तो जो बड़ा बच्चा होता है वो राजा बनता है, या बाद वाले बच्चे राजा बनते हैं? जो बड़ा बच्चा उसमें क्वालिटी ज्यादा होती है, उसमें प्योरिटी की पावर जास्ती होती है। तो शिव आते हैं तो देवताओं में बड़ा देवता शंकर बनाते हैं। अब शंकर क्या बनाता होगा? नहीं, शंकर गणेश नहीं बनाता है। बाप पहले अपनी घर बनावेगा, घरवाली को ही घर कहा जाता है, तो बाप की घरवाली कौन है? बाप, बाप के साथ, अरे बाप किस में आते हैं? बोलो, हाँ ब्रह्मा अम्मा। बाप जब तक अम्मा में प्रवेश न करे तब तक सृष्टि होगी नहीं। तो ब्रह्मा कहो, बड़ी अम्मा कहो, ये मेरी बन्नी है, कौन? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा हुई बन्नी, ब्रह्मा। अब ब्रह्मा से, ब्रह्मा को कहा जाता है शास्त्रों में हिमालय, क्या कहते हैं? हिम आलय, हिम माने बर्फ, आलय माने घर, माने जिसका दिमाग जो है बर्फ की तरह जाम है, चलता ही नहीं। मुरलियों में इतने गुड़ 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 महावाक्य बाबा बोलते हैं, भूया गुहे तरम ज्ञानम भूये थे गुहे राज सुनाता हूँ, ब्रह्मा की बुद्धि चलती। तो जाम बुद्धि कहे या बहती हुई है, बहता हुआ पानी तो नहीं, जामड़ी बुद्धि कहेंगे। तो जो जामड़ी बुद्धि है उसके कारण उनका नाम क्या रख दिया? हिमालय। और हिमालय की बच्ची का नाम, हिमालय से जो बच्ची पैदा होती है वो दो बच्ची है, एक है गंगा और एक है पार्वती। गंगा की तो वो पालना करते हैं, गंगा उनकी पुत्री नहीं है, पालना करते हैं, इसलिए गंगा हिमालय से, हिमालय की गोद से निकलती है, ऐसे गायन है। और पार्वती उनकी पुत्री है। तो जो पार्वती है वो रचना न तो शिव की है, न प्रजापिता की है, किसकी रचना है? ब्रह्मा की रचना, ब्रह्मा की बेटी है। जो ब्रह्मा की बेटी है वो क्या रचती है? नहीं, जो ज्ञान का स्नान करती है, उस स्नान के टाइम पर जो भी मैल माटी निकलता है उस मैल माटी से वो बच्चा पैदा करती है। वो वास्तव में देवता नहीं है, उस
उसकी सूरत, उसकी सीरत जानवरों जैसी है या मनुष्य जैसी है? जानवर जैसी है। कोई मराठी यहाँ बैठा होगा तो उबल पड़ेगा। आपने पूछा? देखो ये आपको मराठी कहते हैं, आप तो आत्मा है ना, आत्मा तो मराठी अराठी होती नहीं, शरीर होता है मराठी। ये आपको गलत समझते हैं। तो पार्वती वाली आत्मा रचयिता की रचना, फिर उसकी भी रचना, रचयिता की रचना ना हिमालय नहीं, उस रचयिता जो अल्लाह जिसे कहा जाता है ऊंचते ऊंच बाप, उसकी रचना कौन? शंकर। और शंकर की रचना चंद्रमा, और चंद्रमा की रचना पार्वती। वो पार्वती क्या रचेगी? गणेश जैसों की रचना कर। ऐसे गणेशों की पूजा जो है वो द्वापर के आदि में होती है या कलयुग के आदि में होती है? कलयुग के आदि में उनकी पूजा होती है। इसका मतलब हुआ कि द्वापर के आदि में जिनकी पूजा होती है वो महादेव की रचना है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर से डॉक्टर तैयार किए जाते हैं, इंजीनियर से इंजीनियर तैयार किए जाते हैं, मास्टर से मास्टर तैयार किए जाते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि देवताओं को रचने वाला भी कौन होना चाहिए? भगवान होना चाहिए या बड़े से बड़ा देवता होना चाहिए? देवता है तो वो बड़े से बड़ा देवता महादेव देवताओं की रचना करता है। उन देवताओं में पहला देवता है ब्रह्मा, जो ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। संगम में बनता है या सतयुग में जाके बनेगा? संगम में बनता है। उस ब्रह्मा की पुत्री का नाम है पार्वती। तो जो पार्वती है उसकी जो रचना होगी वो फोर्थ क्लास फोर्थ युग की रचना होगी या फर्स्ट क्लास सतयुग की आदि की रचना होगी? कलयुग है फोर्थ क्लास युग, उसके आदि में जिसकी पूजा होती है वो है गणेश और हनुमान। जो बापों का बाप, बापों का बाप, दादा परदादा तरदादा, वो ऊंची स्टेज वाले होते हैं या उनके जो पोत्रे तर पोत्रे पर पोत्रे होते हैं वो ऊंची स्टेज वाले होते हैं? बापों के बाप होते हैं वो ऊंची स्टेज वाले होते हैं। तो ऐसे ही ये पार्वती की रचना है। वो बाप को फॉलो करने वाली नहीं है, बाप तो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है। गणेश अपनी नगरी अलग बसाता है जाएगी कि माँ बाप के साथ रहता है? अलग बसाता है जाएगी। हिमालय में गणेश और हनुमान या संगम में भी क्या पाठ किया? आत्मा जो है गणेश और हनुमान की संगम में क्या पाठ बजाती है? दोनों जब तम प्रधान बनती है तो तम प्रधान युग का पाठ बजाती है। कोई भी आत्मा विश्वास करके मुक्ति को प्राप्त करती है तो वो आत्मा को धर्म प्लान के अनुसार उसी पर आना पड़ता है, तो परमधाम ही रहती है। ऐसी कौन सी आत्मा है जो मुक्ति प्राप्त नहीं करती है? भूल गए? ऐसी कौन सी आत्मा है जो मुक्ति प्राप्त नहीं करती है? मुक्ति और जीवन मुक्ति दो है। अच्छा, ऐसी आत्मा का नाम बता दो जो जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं करती। कोई है? अरे हर आत्मा मुक्ति भी प्राप्त करती है और हर आत्मा कम से कम एक जन्म की जीवन मुक्ति भी प्राप्त करती है। इसका मतलब है हर आत्मा को नीचे आना ही आना।
जब भगवान को नीचे आना है, कल्प कल्प लगे प्रभु अवतारा, जब भगवान को हर कल्प के अंत में आना ही है तो फिर दूसरों की क्या विशेषता है जो नहीं आएंगे। और सुनेंगे किसको ज्यादा सुनेंगे, जो पवित्रता की योगी है उसको सुनाई देगी कि जो दुशासन वाले हैं उसको ज्यादा सुनाएगी। जो दुष्ट है उनको कल्याण की भावना ज्यादा आएगी, या जो साधु हैं, संत हैं, महान आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, उनके दिल में ख्याल आवेगा। बोलो शनि की साढ़े सात ही लगती है। साढ़े सात साल तक अवस्था खराब रहती है, उसको कहते हैं साढ़े सात ही। ढैया, ढाई साल तक अवस्था खराब रहती है, उसका नाम है ढैया। हाँ तो पूछना क्या है? विक्रम राजा, हाँ विक्रम राजा को साड़ी साथी लगी थी तो उसका हाथ पाँव काटा था ना। हाँ अरे वो जो शनि की दशा लगी थी वो है कहाँ की बात? संगमी की बात है। वो आत्मा जो है 69 से आती है ज्ञान में। कब से आती है ज्ञान में? 69 से ज्ञान में आती है। तो 69 से लेकर के वर्ष गिनना शुरू करो, 70, 71, 72, 73, 74, 75 और 76 का आधा हो गई 7.5 साल, और 7.5 साल में 7.5 साल 7.5 साल ही आ जाती है। न एक भी पैसा रहता है घोट में, न कपड़े रहते हैं, न मकान रहता है, न घर रहता है, न माँ बाप रहते हैं, न दुनियादारी रहती है, न कोई संगी साथी रहता है, सब धोखे बाद धोखा दे देते हैं। सारी आत्मा एक तरफ और एक आत्मा एक तरफ, तो साढ़े सात ही लग गई ना। तो नंबर बाबा ब्रह्मा की नाती से विष्णु निकला, विष्णु की नाती से ब्रह्मा निकला, मतलब एक दूसरे नाभि से प्रत्यक्ष होते रहते। यज्ञ के आदि में कोई विष्णु था? कोई था विष्णु? हाँ। कौन था? दूसरी माता। ये देखिए आदमी कहाँ से लक्ष्मी नारायण आया? लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा, जो प्रजापिता वाली आत्मा और प्रजा माता वाली आत्मा है, वो दोनों एक दूसरे को मानने वाले थे। क्या? जो आज में सो अंत में, यानी आदि तो सृष्टि का था संगम युग में जब विष्णु बने, वो आदि का जन्म है। तो जो आदि में है वो अंतिम जन्म में भी तो वही होंगे, तो एक दूसरे की बात मानने वाले थे, विष्णु हो गए। और विष्णु की नाभि से 10 साल के बाद फिर ब्रह्मा निकला 47-48 में, तब ब्रह्मा कुमारी यीशु विश्वविद्यालय नाम पड़ा, जिसमें प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा। तो उनका बच्चा वो हो गया, विष्णु का बच्चा ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा के बाद फिर विष्णु, अब प्रत्यक्ष होता है। लक्ष्मीनारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कब? 5000 वर्ष हुए, तो वो टाइम कब पूरा होता है? 76 में पूरा होता है। तो 76 में ब्रह्मा की नाभि से
वो विष्णु सन 76 में प्रत्यक्ष हो गया। सीता माता को वनवास में क्यों भेज दिया था? क्यों भेज दिया था? उनका इच्छा के लिए। परीक्षा तो पहले भी हुई थी, लेकिन पहले परीक्षा हुई उसके बावजूद भी जो प्रजावर्ग की आत्माएं हैं उनको संशय बना रहा, तो उनके संशय को खत्म करने के लिए फिर परीक्षा ले ली। स्त्रियों को ही ऐसी आत्मा कौन है जो स्त्री नहीं बनती? ऐसी कोई आत्मा है जो स्त्री नहीं बनती है? देवान बने के ना बोलो, तरफदारी स्त्रियों की ज्यादा करते। हाँ, और बाबा अगर सूर्यवंशी आत्माओं के अंदर वैराग है, उनको कुछ लीडिंग करने की इच्छा अंदर से नहीं है, तो फिर ये जो वितरणियों के द्वारा इनका जो इनके साथ जो शुरू हुआ, जैसे हम हिस्ट्री में देखे, तो ये एक तरफा नहीं हो जाता? एक तरफा ये जीरो नहीं हो सकता? बैलेंस जीरो कैसे हो सकता है सबका हिसाब किताब का? अगर वितरणियों ने भारत में किसी के साथ कोई कुछ नहीं गलत काम किया, लेकिन फिर भी वितरणियों आते ही रहते हैं, अगर हिस्ट्री में देखे तो 1000 साल पूर्व 800 साल, तो ये जो पाप करते हैं तो उनका हिसाब ये कैसे चुकते हैं चुका दे? तेसर जन्मों में या हमने दास दासियों के साथ, राजाओं ने दास दासियों के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, तो उसका हिसाब का पूरा नहीं होगा? हो रहा है, हो रहा है। जब हम इस तरह की बातें करते हैं कि क्रिश्चियंस ने हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए, मुसलमानों ने हमारे ऊपर अत्याचार किए, तो जब हम ये बात करते हैं तो हम पूर्वजन्म की बातों को भूल जाते हैं। कोई किसी के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता, तो फिर ये कैसे हो सकता है? हमारी आत्मा हमारे लिए खुद ही शत्रु है। जब हम विकर्म करते हैं तब नहीं सोचते कि जिसके साथ हमने विकर्म किया, पाप कर्म किया, दुख देने का कर्म किया, वो हमारे पास लौट करके आएगा ब्याज सहित, ब्याज सहित चुकता करना पड़ेगा। अब रोते हैं बैठकर कि ये क्रिश्चियंस हमारे साथ ऐसा क्यों किया, ये मुसलमानों ने हमारे साथ ऐसा किया क्यों किया? इसलिए बाबा सीधा रास्ता बताते, कोई कुछ भी करे, कुछ भी बोले, तुम एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। मारपीट करने को ही आए क्या करो? भाग जाओ, कहीं भाग गया भाग गया, अरे भगोड़ा भगोड़ा भगोड़ा। तो देवान आया, अरे लोग हमको भगोड़ा कह रहे हैं, हमें कायर कह रहे हैं। तो देह अभिमानी हुए कि आत्मा अभिमानी हुए? तो देह अभिमानी। अरे भगवान को भी भागना पड़ा, भस्मासुर के डर से शंकर को कहां कहां भागना पड़ा दुनिया में, कंस के डर से कृष्ण को कहां कहां गांवों गांवों में चक्कर काटने पड़े, द्वारका चला गया। अरे युक्ति तो अपनानी पड़ती है ना, इसमें मान बटवा कैसा? अरे भाग्या भाग्या भगोड़ा है भगोड़ा है, बोले तो आखिर सच्चाई आज नहीं तो कल प्रत्यक्ष होगी कि नहीं, कौन भगोड़ा है और कौन दमदार है? बाबा भक्ति मार्ग में द्रौपदी ने, वो तो पांडव की स्त्री थी, फिर भी उसने वो ऐसा प्रण क्यों किया कि वो दुशासन के लहू से वो बाल बांधेगी, जब लगेगा तब मैं बाल बांधूंगी, तब तक खुला छोड़ूंगी बाल। हाँ तो ऐसा प्रण क्योंकि वो तो भगवान, हाँ तो फिर वो तो हत्या हो गई ना, हत्या हो गई।
तो उसके उससे खून से उन्होंने बाल बन जाए ना विशाखंड का लहू जब तक नहीं मिलेगा तब तक बाल नहीं बाल। हाँ ऐसा वो तो पांडव की स्त्री थी ना। अरे वो कौन सा लहू था, स्थूल लहू था कि संकल्पों का लहू था? संकल्पों का खून था वो तो भक्ति मार्ग के लोगों ने जिन्होंने लिखा है और जिन्होंने उसके अर्थ किए वो अनर्थ कर दिया है। और दुशासन कोई एक नहीं होता है, दुर्योधन कोई एक नहीं होता है, ये सब पुरुष दुर्योधन दुशासन, ये सब द्रौपदियां बैठी हुई हैं, सब दुर्योधन दुशासन रोज नगन करते हैं, कोई किस तरीके से कोई किस तरीके से, जो जिस तरीके से करते हैं वो अपना जानते होंगे, जो नगन होती है वो भी जानती होंगी। अब किसका किसका नाम उठाओ? ईशान में जो ईश्वर है ना, हाँ अष्टदेव है, ईशान में ईशान कोण में जो ईश्वर है वो बीच में आता है ऐसा बोला है। हाँ तो जो ईशान कोण का जो जगह खाली हो गई वहाँ पर कोई नया ऐड होगा क्या है? नया नया नई आत्मा ऐड होगी क्या ईशान कोण में? ऐसा बोल निकृति को आर्य समाज में जा दिया नहीं निकृति को हमारे प्रश्न बोला तो निकृति है आर्य समाज का। निष्कृष्ट पार्ट बजाने वाले का नाम विकृति पड़ गया माने आठवां नंबर। तो आर्य समाज तो नौवां नंबर है ना। हाँ उसका तो नंबर ही नहीं है, वो तो वास्तव में कोई धर्म ही नहीं है, वो तो मठपंथ है, उसको धारणा नहीं कहनी चाहिए, धर्म नहीं है वो, एक को नहीं पकड़ता है वो, सबका साथ लेना चाहता है, कोई भी हो कोई भी धर्म का मानने वाला हो बस हमारे हमको वोट डालो हमको मानो हम भी कुछ हैं बस। वो ईश्वर है ना जो ईशान कोने का ईश्वर, हाँ वो सवाल ऐसा था कि वो अगर बीच में आता है सूर्य की तरफ हाँ आठ ग्रह सात आठ ग्रह के घूमते रहते हैं तो उसमें जब जब वो बीच में आता है ना मुखिया बनकर के जब बीच में आ जाता है ना तो जो वैल्यूलेस आर्य समाधि है वो आ जाता है उसकी जगह। और अंगूठी बनाते हैं ना नवरत्न की तो बीच में तो मोस्ट वैल्यूबल हीरा है तो जो आसपास आठ हैं उनमें से एक वो है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो धर्म है ही नहीं, उसको कोई धारणा नहीं है, अपना कोई मंतव्य नहीं है, इसकी बात कान में डाली उसकी बात कान में डाली उसकी बात कान में डाली जहां जहां देखी तबा बारात वहां बजाई सारी रात। सबको खुश करना चाहता है अरे एक भगवान को पकड़ लो उसको खुश कर लो वो ज्यादा अच्छा या सबको खुश करना ज्यादा अच्छा? बस बाबा ये क्षत्रिय वर्ण की जो आत्मा है वही तो सूर्यवंशी कहलाती है ना। ऐसा कौन सी आत्मा है सत्युग में जन्म लेने वाली आठों जन्म में जो त्रेता में जाके क्षत्रिय नहीं बनती? कोई है? कोई भी नहीं। वो मुख्य लीडरों के रूप में जो 12 क्षत्रियों की जो आत्मा है 12 वही तो सूर्यवंशी 12 जैसे 12 सूर्य है आकाश में कहते हैं। कहते हैं कौन कहते हैं? भक्ति मार्ग में कहते हैं। भक्ति मार्ग में जाने क्या क्या कहते हैं? 12 सूर्यों की मान्यता है। मान्यता है वो तुम बुद्धि में धारण करते हो ना, जैसी धारणा करोगे वैसी ही स्थिति बनेगी। एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा।
क्यों याद करते हो बारह सूर्य? तो हम कभी तीन सीरियल देखते हैं महाभारत में तो रामायण तो उसमें कहते कहते एक नहीं बारह बारह उसमें कौन कहते हैं? ये सब पाठ बजाने वाले नाटकीय तो जो जो कुछ कहते रहते हैं वो सबकी सुनते रहते हैं। आज समाज धर्म में जाना है क्या? लेकिन कन्फर्म करना पड़ता है। क्या कन्फर्म करना? अभी तक तुमने इतना ज्ञान सुना कन्फर्म नहीं कर पाया। सबकी मिलनी चाहिए। इतना ज्ञान सुनने के 70 साल का ज्ञान सुना तुमने यही कन्फर्म नहीं कर पाया कि सूर्य 12 होते हैं कि एक ही होता है? चंदन के है? 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 बोला है ब्रह्मा कहते कम विचार करता है कि मैं तो बाबा के बाप की फर्स्ट क्लास गूगल हूँ और कब कब ऐसा होता है मैं नंबर वन बच्चा भी हूँ। ये बाबा को ऐसा क्यों आता है? इसलिए आता है ऐसा इसलिए आता है कि ब्रह्मा वाली आत्मा कभी जगदम्मा में प्रवेश हो करके ऐसा बोलती है सोचती है नंबर वन अब फिर वो इसकी बुद्धि में ये भी बैठता है कि मैं बाप का 500 करोड़ पत्तों के बीच में नंबर वन बच्चा हूँ। गलत आता है झूठ आता है सच्चा आता है सच्ची आता है। बाबा मुरली में बताते हैं शंकर का कोई पार्ट है ही नहीं और फिर बताते शंकर का बहुत वंडरफुल पार्ट है। पार्ट है जो तुम बच्चों की समझ में भी ना आ सके। हाँ। तो जो समझ में नहीं आता है इसलिए कुछ भी नहीं पार्ट है। जब तुम्हारी समझ में ही नहीं आया तो समझो है ही नहीं पार्ट। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। शंकर का इतना वंडरफुल पार्ट है जो तुम बच्चे जान ना तुम बच्चे जान ना सको। जब जानते ही नहीं हो तो पार्ट है ही नहीं। इसके लिए वो बोलते विनाश ही करता है और कुछ करता नहीं। हाँ। किस चीज का विनाश करता है सारी दुनिया का तो फिर पूजा क्यों जाता है विनाश ही को मैं तुमको नाफा मारू तो तुम मुझे पूजा करोगे बताओ विनाश कल्याणकारी या कल्याणकारी घर में आके बैठा आगे शंकर का चालू करते बाबा ने कहा है दो बार स्नान करूँ मैं कौन सा स्नान करने का है मेरे पूछा ज्ञान स्नान करवा बारह बड़े में बोला तो फिर उसको मेरे देखी समझ गए बाबा फिर आपने उसका पीछा छोड़ दिया क्या? शास्त्रों में दिखाते हैं कि हिरण्यकश्यप को मारने के लिए स्वयं भगवान को आदि मनुष्य और आदि जानवर के रूप में आना पड़ा और उसको नाखून से मारते इसका अर्थ ये है कि लोहे से लोहा काटा जाएगा विष से विष मारा जाएगा या ऐसे ही खत्म हो जाएगा। हाँ? तो जो राक्षस है उसको राक्षस ही बनकर के मारा जाए जो जानवर है उसको जानवर बनकर ही मारा जाए और नाखून क्या होता है जिसमें खून नहीं वो नाखून खून है संकल्पों का वो तो है ही निराकार बिंदी उसमें संकल्पों का खून रहता है तो बड़े बड़े नाखून से पेट काट देता है बुद्ध रूपी। ऐसे है संकल्प चलाने वाले दुष्ट संकल्प चलाने वाले कि ये प्रहलाद अभी मर जाए अभी खत्म हो जाए ज्ञान में से टूट जाए तो ऐसे संकल्प करने वाले नहीं है। जो प्रहलाद को मार लेना चाहते हैं ऐसे संकल्प करने वाले ज्ञान में नहीं है। शास्त्रों में दिखाया कि विष्णु के अश्रु से काफी लकड़ी डूब जाती है फिर शंकर उसे विष्णु से ऊपर उठा देगा इससे
चलो काशी नगरी धूप जाती है शंकर शंकर उसे त्रिशूल में ऊपर उठा गया त्रिशूल से कृष्ण के जल से नहीं विष्णु का जो जल है वो जल उस काशी नगरी के स्थान पर आता है तो काशी नगरी डूब नहीं जाती है वास्तव में ए टू जेड जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं 500 700 800 750 करोड़ पार्ट बजाने वाली अंत में जाकर के सबको माया खाती है नीचे गिराती काशी नगरी का तो दूसरा नंबर है तो थोड़े समय के लिए ऐसे दिखाई गई है वास्तव में वो डूबना डूबना नहीं है जो अष्टदेव हैं काशी तो छोड़ो जो भी अष्टदेव हैं वो अंतिम जन्म में जाकर के मायावी धर्म के प्रभाव में आ जाता है थोड़े समय के लिए तो उनको क्या ये कहेंगे वो विधर्मी है बच्चों में क्या देखते हैं शिव बाबा क्या देखेंगे नाक देखेंगे आंख देखेंगे तुम्हारा शरीर देखेंगे क्या देखेंगे बच्चे क्या देखेंगे कौन बच्चे आत्मा कैसे आत्मा कोई रूप है हम भी भानों का आदर करें बाबा ये रिफाइन चेंजिंग जो शब्द आया है मूल्यों में ये एक तरफ का बचाव का शब्द नहीं है कभी कभार दुगनेपन की बातें होती है तो उससे बचने के लिए ऐसा रिफाइन चेंजिंग मूर्ति सीढ़ी चढ़ रहे हैं या ऊपर से नीचे उतर रहे ऊंची सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो जो गीता है असली गीता तो कोई और चीज है वो असली गीता में जो कि जो रहने दें तो परिवर्तन हो जाएगा या उसमें रिफाइनिंग चेंजिंग होती रहे तो परिवर्तन जल्दी होगा जो बेसिक ज्ञान है वो बेसिक ज्ञान ज्यों का त्यों चलता रहे तो परिवर्तन होगा नहीं उस बेसिक ज्ञान में रिफाइनिंग भी हो चेंजिंग भी हो पुरानी बातों में से नई नई बातें निकल आए तब परिवर्तन होगा तुमको ऐसा क्यों दिखाई पड़ता है कि बाबा अपनी सेफ्टी के लिए बोलता है ऐसा लगता है कोई भूत तो नहीं आता है इब्राहिम वगैरह का वो आकर के तुमको कहता है बच्चे कहाँ जा रहे हो हमारी बात तो सुनो सनातन जो सत्य होता है वो सबके लिए एक समान ही होता है सूर्य पूर्व में उठता है तो सबके लिए एक जैसा ही होता है उसकी दुगनी बातें नहीं तुमको दोगली बन लगती है कैसे लगने वालों को दोगली लगती है जो बाबा राज मुरली ने कहा कि तुम बच्चों को पिता में माप को देना चाहिए तो क्या लिख के देने चाहिए या सन्मुख मुख से जोड़ के देना चाहिए क्योंकि पोता में जब तक नहीं देंगे तब तक तुम परिवर्तन नहीं होंगे वापसी राय तब तक नहीं मिलेगी तब तक तुम सर्विस में लाइफ भी नहीं बनाओगे तो पोता में देने की जो बात हो तो कैसे देंगे कैसे दे एक बार लिखा और 100 बार बक्का 100 बार बोलता रहे वो बात सच्ची या एक बार लिख करके दे दे वो सच्ची अगर बोलता रहे और लिख करके न दे
इसका मतलब भगवान को भी ब्लफ देना चाहता है, लिख के देना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं लिख के देंगे तो आधा पाप हो, बाबा राय भी देंगे ना, बाप राय भी देंगे तो राय देते हैं, रोज बोली सुनाते हैं, रोज तुम नहीं ध्यान देते तो बाबा क्या करे। तो माया जिसमें बहुत आ जाती है ना, उसी का धन बहुत बहुत काम होता है, ऐसा ही होता है, माया आ जाती है, भगवान बक बक करता ही रहता है। सुबह से जाता रहता हो गया ना, तो थक गए कि नहीं थक गए, भूख लगी आई घर जाना। हाँ जी, ओम शांति।